इंदौर लगातार स्वच्छता के मामले में अव्वल आ रहा है पूरे देश में। स्वच्छता में लगातार 6 बार हैट्रिक लगाने के बाद अब इंदौर 7वीं बार इतिहास बनाने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता भारत मिशन में इंदौर ने इतिहास रचा है और अब इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने की तैयारियों में जुट गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वीं बार नंबर 1 बनने के लिए इंदौर नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते न सिर्फ शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है बल्कि शहरवासियों से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए नई टैगलाइन जारी की है। उन्होंने इसे इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान टैगलाइन दी है। इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान, इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान। ये हमारे लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है, रोमांच की बात है, जोश की बात है, उत्साह की बात है, उमंग की बात है कि हम अब 7वें कदम की ओर बढ़ चुके हैं। स्वच्छता का 7वां आसमान। जैसा कि आपको पता है कि इंदौर 6 बार स्वच्छता में फर्स्ट रैंक प्रथम आ चुका है, इसी कड़ी में 7वीं बार भी इंदौर इस मुकाम पर पहुंचे। उसके लिए जैसे हर बार एक टैगलाइन, एक ऐसी टैगलाइन जो एक हमारा सिंबल बनता है, जो हमारा मोटिवेशन बनता है, वो एक टैगलाइन लॉन्च करते हैं, उसी कड़ी में आज भी हम 7वीं बार प्रथम आने के लिए टैगलाइन लॉन्च करेंगे। ये टैगलाइन आप लोगों से ही हमने बुलाई थी और उसमें से ही जो बेस्ट लगी, जो हमारी कमेटी को बेस्ट लगी टैगलाइन, उसको हम लॉन्च करेंगे इंदौर 7वीं बार जिस टैगलाइन के बेसिस पर फिर से स्वच्छता की श्रेणी में प्रथम आएगा। साथ ही जो विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई हैं इंदौर में स्वच्छता की ऐसी गतिविधियों के लिए, जैसे कि जंगल प्रतियोगिताएं, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, रंगोली एक्सेट्रा, जो भी विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई हैं उनके जो विजेता हैं उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, चेक डिस्ट्रीब्यूशन आज करा जाएगा। ये आज शुक्ला जी तुम तो आ गए हो यार। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी है, आज से टैगलाइन लॉन्च हो रही है, स्वच्छता में इंदौर भारत का सिरमौर है। छक्का लगाने के बाद सत्ते की तैयारी जोरों पर है। प्रवासी भारतीयों के लिए भी इंदौर तैयार है, GIS के लिए भी तैयार है, खेलो इंडिया के लिए भी तैयार है और G20 के लिए भी तैयार है और सत्ता लगाने के लिए भी तैयार है। और उसकी टैगलाइन आज पूरे इंदौर के साथ हम साझा करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। और क्या टैगलाइन होगी वो तो आपको कार्यक्रम में पता चल ही जाएगा। हम इस बार फिर 7वें आसमान पर होंगे। अलग अलग एडवाइजरी जारी हो रही कोविड को लेकर, आप लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, कोविड से हम 3 बार लड़ चुके हैं, 3 लहरों से। सब लोग कोविड के बेसिक प्रोटोकॉल को जानते हैं, तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के मिलेंगे हम फॉलो करेंगे। लेकिन कोविड से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है मास्क लगाएं, भीड़ में ना जाएं, अकारण ऐसे संपर्क से हम दूर रहें। तो अभी तो मास्क लगाने वाले प्रोटोकॉल को जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम लागू करेंगे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि क्वारंटाइन किया जाए जो आ रहे हैं प्रवासी भारतीयों के लिए, और इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। जो खुद क्वारंटाइन है, जिनके पास कोई राजनीतिक फील्ड नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। जो परिस्थिति को देखकर केंद्र का हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे प्रदेश सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट जो दिशा निर्देश जारी करेगा उन सबको हम फॉलो करेंगे। भैया लास्ट में आपको बता दें कि इसके पहले इंदौर स्वच्छता का छक्का, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का चौका, हैट्रिक के नाम से भी टैगलाइन दी जा चुकी है।